अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बोर हो रही थी, सोचा आप लोगों के पास आऊँ, आप लोगों से गपशप लगाऊँ। कहाँ पे आ जाएँ, जल्दी से आ जाएँ, बग़ैर इन्फॉर्म किए मैं आज लाइव आ गई हूँ। कैसे हैं जी आप, क्या हो रहा है? आज मैं वाकई में बहुत बोर हो रही थी, तो पहले मैंने सोचा था कि आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगी, लेकिन आज देखते हैं जी कौन कौन लकी है जो मुझसे बात करेगा। और जी सब सुनाए, कैसे हैं, क्या हो रहा है आजकल? आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? मैंने कहाँ पे होना, मैं अपने घर हूँ और मैं कहाँ होंगी? किस किस ने कोल्ड ड्रिंक पीनी है जल्दी जल्दी बता दे मुझे, एक मिनट। अच्छा, कौन से रेस्टोरेंट में? मैं किसी रेस्टोरेंट में नहीं हूँ, मैं अपने घर पे ही हूँ और कुछ नहीं पी रही जी, कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ, अभी खाना खाया है और बस। चलो माशाल्लाह आवाज़ तो आ रही है ना। लाहौर नहीं आना, इंशाल्लाह लाहौर का प्लान है बहुत जल्द, बहुत जल्द इंशाल्लाह। आप कभी आए हैं भावलपुर? हमारा भावलपुर भी कहते हैं लाहौर से कम नहीं है वैसे, माशाल्लाह बहुत साफ सुथरा और खूबसूरत है हमारा भावलपुर, हमारा दिल लग गया है माशाल्लाह से। लाहौर भी वैसे आएंगे, लाहौर तो वैसे भी जिन्हें लाहौर नहीं देखा हो जमिया ही नहीं, तो हम चाहते हैं कि हम आ जाएं वहीं पे। और सुना किसने किसने कोल्ड ड्रिंक पीनी है, सबने खाना खा लिया? इंशाल्लाह इंशाल्लाह हर सिटी में, मैं कहती हूँ एक टूर मैं बनाऊंगी जहाँ पे मैं पूरे पाकिस्तान का जी हर सिटी में जाऊंगी। बहुत से लोग मुझे पिशावर इनवाइट कर रहे हैं, बहुत से लोग लाहौर, डीजी खान, इंशाल्लाह। अच्छा, डीजी खान में एक कुछ स्पेसिफिक डिश है, मुझे पता चला है कि वो वहाँ पे बहुत मशहूर है और काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट है कि वो, मुझे समझ नहीं आ रही कि डीजी खान में क्या ऐसा मशहूर है, कोई कढ़ाई मशहूर है, क्या चीज़ है, मुझे आप बताएं। डीजी खान वालों से सवाल है मेरा। हाय, कैसे हैं जी आप सब? आज कौन हमें गाना सुनाएगा? उस दिन सब बोल रहे थे ना सुबह के टाइम गुड मॉर्निंग का या मौसम अच्छा होने का सॉन्ग भी, आज आप लोगों से मैंने कुछ सुनना है क्योंकि आज मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मेरा दिल है आज आप लोग हमें कुछ सुनाएं, चाहे आप वीडियो पे आए या फिर ऑडियो पे, लेकिन आज तो हम सुनेंगे आप सबसे कुछ ना कुछ। अच्छा, बकरे की सी जी, दम पुख्त हो गया ना, सही। अच्छा, वो कह रहे थे काफी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो डीजी खान की मशहूर है बकरे की सी जी, मतलब वो क्या मट्टी के अंदर जो बनाते हैं ऊपर से कवर कर देते हैं, वो वाली। आपने मुझे देखना है तो आप मेरे प्रोफाइल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मेरी पिक्चर्स वगैरह भी हैं, देख सकते हैं आप लोग, मेरे व्लॉग्स देखे हैं। पी नहीं आपने, ये ले ले। थैंक यू सो मच, आप मेरे व्लॉग पसंद करते हैं। आज भावलपुर का मौसम अच्छा है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और रात को शुक्र है कि ठंडी हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। साथ साथ मैं खा भी रही हूँ, आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ।
एक मिनट जी, आप लोग किसने किसने खाना है? आप कहेंगे सोनिया बस हमें दिखा रही है, खिलाती नहीं है, है ना? मोस्ट वेलकम, आप आए, मैं आप लोगों को खिलाऊंगी। एक मिनट में बंद कर दूँ। हाय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स पसंद किए और मैंने स्पेशल थैंक्स भी आप सबका किया, और उसके बदले आप मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। क्या कह रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कुछ बात करें। अच्छा ये बताएं कि कौन कौन सिटी से मतलब देख रहा है? कुछ लोगों ने तो बता दिए और कुछ लोगों ने मुझे नहीं बताया कि आप कौन कौन से सिटी से हैं। मुझसे बार बार क्वेश्चन करते हैं, जी आप बताएं आप कौन से सिटी से। हालांकि मैंने व्लॉग्स में पूरी डिटेल किया, पूरे भावलपुर के आप लोगों को विज़िट भी कराया कि मैं भावलपुर से हूँ, पाकिस्तान से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह प्योर पाकिस्तानी हूँ। अच्छा कराची, माशाल्लाह। अच्छा ये बताया कि कराची में गर्मी है, मैंने सुना कराची का मौसम अब ठीक हो चुका है। इस्लामाबाद से किसी ने हमें ज्वाइन किया, वहाँ पे पानी का बारिश का बड़ा मसला हो रहा था। ओ भावलपुर, आप भी? चले माशाल्लाह। और सुनाएं जी, किसने किसने मेरे व्लॉग्स देखे हैं? मैं कल भी ऑनलाइन आई थी, लाइव आई थी आप लोगों के पास, और काफ़ी मज़ा आया था मुझे। मैंने सबसे पूछा कि मुझे नाश्ते में क्या खाना चाहिए, सब चुप। ऑफर दे रहे थे कि आ जाएं खिलाते हैं नाश्ते, लेकिन मैं क्या खाऊं घर में, वो तो आपने मुझे बताया भी नहीं। अच्छा कराची, वाकई दुआ करें यहाँ पे भी बारिश हो जाए। वैसे कल बारिश हुई थी लेकिन आज नहीं हुई, इम्कान तो काफ़ी बादल वगैरह, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, बर्दाश्त से बाहर। नहीं देखा, अब क्या कह सकते हैं अगर आपने नहीं देखा तो। आप लोग मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स फैमिली में, ठीक है जी। ईद गुजर गई पता ही नहीं चला, है ना? पहले सोचते थे ईद आएगी, प्रॉपर तैयारियाँ ये वो, अब तो दिन ऐसे गुजर रहे हैं समझ ही नहीं आ रही। वालेकुम अस्सलाम, ज़रूर आपका सलाम मैं दे दूंगी उन्हें। कोला पिला दे। ओके जैनब जी, आप लोग मुझे दुआ में याद रखिएगा, और विज़िट किए रहे हैं अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ शेयर करें उन्हें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बायो में लिंक भी है और आपको प्रॉपर वहाँ पे देख सकते हैं। ब्रेकफास्ट में हाँ इंशाल्लाह कल ऐसे करूँगी, ठीक है। हाफ फ्राई मतलब मुझसे नहीं खाया जाता। हाँ जी, कोक ख़त्म हो गई। कोक ख़त्म हो गई है और हाफ फ्राई नहीं खाया जाता, मतलब ऑमलेट हो और फुल फ्राई में अजीब लगता है थोड़ा सा मुझे। वैसे पसंद है, काफ़ी लोगों को खाते हैं, मैं नहीं खाती, पहले खाया करती थी, अब नहीं खाया जाता मुझसे। बस जी अल्हम्दुलिल्लाह टाइम गुजर रहा है, आप लोगों से गपशप हो रही है। आज आप लोगों ने मुझे कुछ सुनाना है, बताएं क्या सुना रहे हैं।
कोई गजल, कोई शेर, कुछ कुछ तो सुनाए। कैसे सहने होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ, बिल्कुल फीका फीका सा, खाली खाली सा। मेरा अभी ना लाहौर का प्लान था, लाहौर का कैंसिल हो गया। इंशाल्लाह कराची का मेरा प्लान बन रहा है। क्या करें, कोक जितना भी वो कर लेते हैं कि थोड़ी सी, मतलब कोक के बगैर सब जिंदगी में अधूरी लगती है ना। थोड़ी सी होनी चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी होनी चाहिए। वैसे कराची में बहुत पहले आई थी, बहुत टाइम हो गया, और अब वहाँ पे मेरी काफ़ी फैमिली भी है, फ्रेंड्स भी हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत प्यार से बुला रहे हैं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा, घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंशाल्लाह कराची में आऊँगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे मेरे व्लॉग्स, पूरा अपना ट्रैवल आप लोगों को दिखाऊँगी, मैंने कैसे किया, क्या हुआ। आपको क्यों हंसी आ रही है अब्दुल्ला? राना अब्दुल्ला, आप क्यों हंसे जा रहे हैं हमारी बातों पर? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। आज मुझे पिशावर की ऑफर आई कि आप पिशावर आए और वहाँ पे कुकिंग खाने वगैरह, वैसे पिशावर के खाने बहुत मज़े के होते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है भाई पठानों के हाथ के जो खाने होते हैं। एक तो लाइट होते हैं, मतलब बने हुए मसाले नहीं होते, ऑर्गेनिक टेस्ट होता है उनका, मज़े वाला। तो देखते हैं इंसान सोचता है क्या और होता है क्या, ये भी तो है ना। मम्मा मम्मा बैठी हैं, बात करेंगे आप सब। मम्मा भी आप सब लोगों को सलाम दे रही हैं और बहुत सारी दुआएं दे रही हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, हंसते मुस्कुराते रहें, कभी कोई ज़िंदगी में कोई दुख ना आए, आमीन। तो मैं अक्सर उनसे बात करती हूँ कि मेरे, मैं उन्हें हर अपना ना कमेंट सुनाती हूँ कि ये मतलब इस बंदे का है ये, जैसे अब ज़ैनब मुझे कर रही हैं, मैं अब फिर मम्मा को साथ साथ बताती हूँ तो मम्मा खुश भी होती हैं, और जब आप लोग इतनी दुआएं देते हैं तो वो सच में अब वो रिटर्न में आपको वापस मिलती हैं, वैसे भी मिलती है, कोई दुआ ना भी करे तो उन्हें पता होता है, तो इसलिए उन्हें ये भी पता है मैं अभी लाइव आई हुई हूँ। तो कह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा दुआएं मतलब दे रही थी आप लोगों को, कह रही थी कि तुम इंजॉय करो चलो, मैंने कहा मैं बोर हो रही हूँ काफ़ी, कह रही थी लाइव आ जाओ चलो अपने व्यूवर से बात कर लो, मैंने कहा हाँ ये भी है। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे यार, बहुत ज़्यादा खुशी होती है आप लोगों का ये प्यार, आप लोग इतना पसंद करते हो मेरे व्लॉग को, अच्छा लगता है मुझे भी। हाय जी, आप सब लोग कैसे हैं, आप लोगों ने ज्वाइन किया हमें, थैंक यू सो मच। ताकि इंस्टाग्राम पे मेरे इतने माशाल्लाह अच्छे फॉलोअर्स हैं यहाँ पे, और बहुत केयरिंग, और सच में अगर मैं एक दो दिन पोस्ट ना करूँ तो सबके मैसेजेस आने लग जाते हैं कि सोनिया कहाँ हैं आप, कैसी हैं। तो अगर आप सब लोग मिलकर थोड़ी सी हेल्प कर लेंगे, अगर सब वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेंगे तो ये देखिए कितनी आसानी हो जाती है। मम्मा आप सबसे बात करना है, सब आपको याद कर रहे हैं, सलाम भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें बात करवाएं, आए थोड़ी सी बात कर लें। क्या बात करनी है, आए ना। हाँ, क्या बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, ठीक ठाक हैं? हाँ जी, मेरा चैनल देखते हैं अम्मी के खाने। हाँ, आप लोगों को तो मेरे ख्याल में कुछ ये नहीं पता होगा, क्योंकि वहाँ पे जा आप सोनिया के चैनल पे जाएं, सोनिया व्लॉग्स, ठीक है, बायो में लिंक है, तो वहाँ पे अम्मी के खाने मतलब मम्मा कुकिंग करती हैं, मम्मा की रेसिपीज हैं, बहुत इजी हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो वही मम्मा पूछ रही हैं किसने किसने सब्सक्राइब किया हुआ है बताएं। वालेकुम अस्सलाम अम्मी जान, सब आप की आवाज़ सुन रहे हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। और आप बताएं कि ईद कैसे गुजरी सबकी, गर्मियों का हाल सुनाएं, किस किस शहर में ठंडा क्या और कहाँ कहाँ गर्मी है बताएं, कौन कौन लोग किस किस शहर सिटी में रहते हैं और वहाँ का मौसम कैसा है। आप खुश रहो, मेरी दुआ है, सब अल्लाह ताला
आपको सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। तो आप बात करते हो, अच्छा लगता है। ठीक है, मेरी दुआ है आप सबके लिए, आप जहाँ भी रहें खुश रहें। ठीक है, जो बात पूछनी है मुझसे पूछें। कुकिंग के हवाले से भी और वैसे भी, वो सब सलाम भी दे रहे थे मम्मा आपको और कह रहे थे कि वालेकुम सलाम, दुआ में याद रखें। हाँ, दुआ सबके लिए। कह रहे अम्मी आपकी कैसी गुजरी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, गर्मी तो थी, सबके लिए थी गर्मी भी, और माशाल्लाह ठीक दिन गुजरा ईद का भी। ईद गुजरते पता भी नहीं चला मामा कैसे गुजर गए। मजे मजे की वैसे रेसिपीज मैंने कुछ शेयर की हैं आप लोगों से, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। अभी गर्मी की वजह से इतनी नहीं दे रहे हम लोग, खाने वगैरह इतने नहीं बना रहे, मुश्किल मुश्किल आसान आसान बना रहे हैं अभी। सही। बस एंजॉय करिए यहाँ पे व्यूअर्स के साथ मामा, बातें शातें हो रही हैं। अल्लाह पाक अम्मी को लंबी जिंदगी सेहत वाली जिंदगी दे, आमीन। नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ, वो आपको दुआएं दे रहे हैं। अच्छा। और पाक कैप्चर वालों का भावलपुर में किधर रहती है ये क्यों बताऊं, मैं भावलपुर में, भावलपुर से हूँ। किस जगह पे कहते ही रहती हैं आप? मैं कहीं आसपास ही रहती होंगी, आपके घर के आसपास ही होगा मेरा घर। ढूंढे हमें। थैंक यू आंटी, आप हमारे लिए भी इतना कर रही हैं। वाकई आप लोगों के, आप लोग हमेशा दुआओं में हो, हमेशा ऐसे ही है ना मामा? बस आप सबके लिए अच्छे रहो तो लोग भी आपके लिए अच्छे ही रहेंगे, नियत भी साफ हो और सोच और सब कुछ। अच्छा बंदा सोचता है तो अच्छा होता है अल्लाह की तरफ से, ठीक है ना? और मोहम्मद आसिफ कह रहे हैं अम्मी जान आए कभी फोर्ट मंडू डीजी खान। डीजी खान जी, फोर्ट मंडू बिल्कुल पास है क्या? सुना है, देखा नहीं। हाँ, कभी भी नहीं हम लोग गए ना, इंशाल्लाह आएंगे। ठीक है, मेरी तरफ से उनको भी सलाम, पूरी फैमिली को। और कैसे बहुत अच्छा लगा जैनब आपसे बात करके। ठीक है, हाँ जी, वो आपकी आवाज सुन रहे हैं। जो जो पूछे उनको सलाम दे। ठीक है मामा, ठीक है, जो पूछना चाहे फिर मुझे बताए, मैं फिर बताऊँ। ओके ठीक है, मम्मा तो चली गई हैं जी। तो आप लोगों ने माशाल्लाह से इनकी आवाज़ सुनी है, तो आप लोग मेरी अम्मी के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला ने सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाया, आमीन, लंबी ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे। तो अल्लाह ताला सब की माँ को हमेशा सलामत रखे, क्योंकि माँ के बगैर घर नहीं होता, ये तो आपको पता है। माँ तो एक, और जिनकी माएँ नहीं हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं, और अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है, क्या कह सकते हैं, ये हकीकत है। आपके लिए स्पेशल रेसिपी आप लोग फरमाइश कर सकते हैं। अच्छा, मम्मा की वहाँ पे हैं काफ़ी रेसिपीज हैं, मींस के 150 से अबव हैं शायद, तो अगर फिर भी आपको कोई रेसिपी चाहिए तो आप रिक्वेस्ट करें, मम्मा ज़रूर आपके लिए बनाएंगी। अच्छा, घर के मसालों से इजी इजी रेसिपीज़ हैं। मुझे तो कराची आना है और कराची की खानी है जी बिरयानी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। मुझे तो कराची की बिरयानी पसंद है भाई, सच्ची में बहुत शौक है मुझे। और मेरी कोई भी फ्रेंड्स होती है ना, मतलब मीन्स उर्दू स्पीकिंग या फिर इस टाइप, मतलब कराची से बिलोंग करती है, तो मैं कहती हूँ आप लोगों की बिरयानी बहुत मज़े की होती है। जैनब आपको कौन सी रेसिपी चाहिए, रेसिपीज आप मुझे बताएं, तो मामा वो आपके लिए बनाएंगी ना। और अब आज यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हाँ ना, कराची की मशहूर है, हर इलाके की कोई ना कोई मशहूर है। हमारे भावलपुर का सोना हलवा मशहूर है दाता का, और यहाँ पे हाजी रशीद है वहाँ का, और यहाँ पे स्पेशल और क्या मींस चुनरी के मिलते हैं, जैसे चुनरी की वो हो गए कपड़े वगैरह, यहाँ पे ये चीज़ें फेमस हैं भावलपुर के। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैनब, ज़रूर ज़रूर, बस आप लोग दुआ कीजिएगा। आप लोग भी आए कभी भावलपुर चक्कर लगाएं, कोई रहता है किसी का भावलपुर में? हाय जैनी, कैसी हैं आप?
बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप लोग आप भूलने वाले हैं ही नहीं, आप सब मेरे अपने ही हैं जो लोग मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने इतना प्यार दिया। देखिए मेरी नींद को ख़त्म हो गई थोड़ी सी रह गई है, मैं सोची से ख़त्म ही कर दूँ। थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए ना साथ साथ, मैं तो ऐसे भूल करूँ खाना, मतलब खाना भी भूल जाती हूँ सच्ची में। आप लोग सब कहते होंगे ये कैसी हो गई बात, मतलब लेट बहुत ज़्यादा तो ये बीपी लो हो जाता है। मैंने सोचा कि थोड़ी सी साथ साथ नीम को खाती रहूँ ताकि थोड़ी सी जो एनर्जी है वो मुझे मिलती रहे। मैं हूँ ना, आप आए हमारे पास ज़रूर चक्कर लगाएं भावलपुर। तो चलो मेरी नीम को ख़त्म हो गई है, थोड़ी सी आएगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं अब सोच रही हूँ कि जा रही हूँ। आप लोगों से जितनी बातें हो गई मज़ा आया, मेरा मूड अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जी आप लोगों को कैसा लगा, बल्कि आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा ठीक है कि आप लोगों को कैसा लगा। तो ओके जी, अब मैं भी थोड़े से काम कर लूँ, मैं जा रही हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।